गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 21 सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। फर्स्टली वी हैव टू नो दैट द टॉपिक इज अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। फर्स्टली सोशल जस्टिस, टेल्स अस अबाउट द इक्वालिटी। Okay, it is concerned with equality, that there must be equality in the society. That is social justice, that everyone is equal in front of law and there is no discrimination on the basis of caste, color, gender. Okay, we get equal opportunities and इक्वल स्टेटस तो नहीं हो सकता, खैर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं हर चीज़ के लिए, तो इक्वलिटी के बेस पर हमें जस्टिस मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस के अंडर आती हैं। एंड द मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड मीन्स जो एक मार्जिन में रखे गए हैं। ठीक है, आप पेपर पर जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तब आप मार्जिन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मार्जिन ड्रॉ करने पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेपर एंड वी विल ड्रॉ दिस मार्जिन बोथ साइड्स। मेन एरिया इज द सेंटर एरिया वेयर वी विल राइट आर आंसर। ठीक है, और इस एरिया में हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। ठीक, तो ये हमारी मेन सोसाइटी आ जाती है जो मेन एरिया रह गया, और ये जो मार्जिन एरिया है, मार्जिनल एरियाज, इसको हम रफ वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें लिखी हुई चीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, तो सेम विद द सोसाइटी, कि सोसाइटी में एक मेन स्ट्रीम थी, मेन सोसाइटी थी, और जो मार्जिन बाहर कर दिए गए सोसाइटी से, ये मेन चीज से बाहर कर दिया ना हमने, तो सेम मार्जिन में डाल दिए गए जिन लोगों को, वो मार्जिनलाइज्ड हो गए। क्लियर, कि उन्हें मेन सोसाइटी से बाहर बिठा दिया गया, आउट कर दिया गया, दे वर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, कि एक सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए और मार्जिनलाइज्ड जो हमने किए हैं लोग, उनको भी इसी जस्टिस के अंडर लाना चाहिए। ओके, अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीसपोजेस अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी। द फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑफ नो वैल्यू एंड वुड इंडीड बाय मिसफिट इफ देयर वॉज नो सोशल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है गवर्नमेंट की, वो उसी सोसाइटी में हो सकती है जहाँ पर हर एरिया में डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी का बेस इक्वालिटी है, वी ऑल नो दैट द बेस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम कहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पर इक्वालिटी हो। ठीक है, जिस सोसाइटी में फैमिली लेवल पर और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप मीन्स हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो सकती है, और डिसीज़न जो है वो मेजॉरिटी बेसिस पर लिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा है तभी वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, और डेमोक्रेसी की उस एरिया में कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सोसाइटी में हम किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको राइट्स नहीं दे रहे, तो फिर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द थिंग, कि ओनली अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन हेल्प टू फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, इंडिया ऑप्टेड फॉर अ सोवेरियन एंड सेकुलर डेमोक्रेसी आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन। ओके, देयर इज नो हायर कास्ट और नो लोअर कास्ट। बिफोर इंडिपेंडेंस
वी हैड दिस प्रॉब्लम, जो कास्ट सिज्म थी उसकी एक प्रॉब्लम थी हमारे एरिया में कि लोअर कास्ट और हाई कास्ट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस था हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में. ओके, एंड दिस वॉज वेरी शेमफुल फॉर अस कि वे डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क. ठीक है, इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग क्लीनिंग वर्क तो हम उसे नीचा मान लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है हमारी सोसाइटी के लिए. ठीक है, सो आर गवर्नमेंट एंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस इज़ गिवन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस दिया गया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजर्स हैं उनका मेन एम क्या है, टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ डाउन ट्रोडन. वो लोग जो डाउन है, जिन्हें हमेशा से दबा कर रखा गया, जिन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, दोज वर कॉल्ड मार्जिनलाइज सेक्शंस. ओके, तो उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब ने लॉज बनाए हैं और उसे ही यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड सोशल जस्टिस. ओके, एंड इट इज़ रिटन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. हेयर आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. इट मीन्स इन सोसाइटी वी गेट जस्टिस सोशली, सोशल वे में, कि अगर हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस डजेंट मीन कि आप स्टेटस वाइज इक्वल हैं, कि आपके पास इक्वल अमाउंट में मनी है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट मीन्स कि यू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट द हायर स्टेटस. आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपना जो लिविंग स्टेटस है उसे अपवर्ड्स कर सकते हैं. ओके, एंड पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स दैट यू कैन इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल वर्क. आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो पॉलिटिकल वर्क हैं, जो हमारे कंट्री से रिलेटेड वर्क हैं, उनमें हम इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. वी हैव लिबर्टी टू थिंक. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. हमारे पास फ्रीडम है कि हम फ्रीली कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, किसी में बिलीफ रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं. वी हैव लिबर्टी ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट स्टेटस के लेवल पर हम इक्वल हैं, कि हम अपना स्टेटस हायर कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम, अगर हम पुअर हैं तो इट डजंट मीन कि हम पूरी लाइफ पुअर रहेंगे. नो, वी कैन ट्राई टू अचीव द सक्सेस. हम एक ट्राई कर सकते हैं कि हम हायर लेवल पर जाएं, सक्सेस को अचीव करें, अच्छी जॉब के लिए हम ट्राई कर सकते हैं. तो वी गेट अपॉर्चुनिटीज इक्वली. फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, मिलजुल कर रहना. ठीक है, एंड द फ्रेटर्निटी एश्योर्स अस द डिग्निटी, कि हम, हमें सब रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हम भी दूसरों को देंगे और वो हमें देंगे. ओके, दैट इज़ फ्रेटर्निटी. एंड इट इंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर पर्सन का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को कोई हर्ट कर रहा है तो ये रॉन्ग है. So our constitution gives us these four provisions: justice, liberty, equality and fraternity. Now in our country, do we have all these things? क्या सभी लोग इस चीज़ को enjoy कर पा रहे हैं, liberty, social justice? वी हैड टॉक अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. हम हमेशा से इसके लिए करते हैं. तो क्या
रियल में ये सब मिला है सबको, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन, ठीक है, और राइट्स. आफ्टर 70 ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस, वी हैव नॉट अचीव दीज गोल्स. ठीक है, स्टिल देयर आर सम एरियाज वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द हायर कास्ट. अभी भी मेजॉरिटी मिनोरिटी को डोमिनेट कर रही है और जो हायर कास्ट है वो लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर स्टिल बैकवर्ड सोशली इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली. दीज विक्टम्स ऑफ बैकवर्डनेस कंपोज द प्रेजेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. मैनी मिनोरिटी ग्रुप्स ऑल्सो सफर फ्रॉम बैकवर्डनेस, दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज ग्रुप. हमारी मेजॉरिटी में बहुत से लोग हैं जो अभी भी बैकवर्ड हैं, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिकल और एजुकेशनल वे. ठीक है, हर लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं या कम्युनिटी ग्रुप्स ऐसे हैं जो अभी भी बैकवर्ड हैं, जिन तक ना तो एजुकेशन पहुंची है ना ही उनका लिविंग स्टेटस बढ़ा है. ओके, एंड मिनोरिटीज़ में भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. जिन लोगों को आगे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस दे आर स्टिल बैकवर्ड, those groups were are called marginalized. Okay, these groups suffer from isolation and social discrimination. isolation का meaning तो अब समझ आया होगा आप सबको बहुत अच्छे से, कि उन्हें सबसे हटा कर रख दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है. ठीक है, और society में भी discrimination होता है उनके साथ. They were forced to live on the fringe of society or were excluded from it. उन्हें सोसाइटी से बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता है, सोसाइटी के किसी काम में इंक्लूड नहीं किया जाता था. ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज नहीं हुई है. स्टिल द सिचुएशन इज सेम इन मैनी एरियाज़.